आज आपके लिए ग्रेविटी मूवी की स्टोरी हिंदी में लेकर आए हैं। इस फिल्म की शुरुआत में यह दिखाया गया है कि अंतरिक्ष में कुछ नासा के एस्ट्रोनॉट्स सैटेलाइट पर कुछ काम कर रहे होते हैं। इनका जो हेड होता है जिसका नाम कोवालसाकी होता है और जो हमेशा अपनी लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ बताता रहता है। इस व्यक्ति से सभी लोग बोर हो जाते हैं क्योंकि यह हमेशा सुनाई हुई बातें दोबारा सुनाता रहता है। अब यह यहाँ का सैटेलाइट पर जिसका नाम STS-157 टेलीस्कोप होता है उसमें यह एक हार्डवेयर को इंस्टॉल कर रहे होते हैं। इस काम को करने के लिए इनके साथ डॉक्टर स्टोन भी होते हैं। यह काम में माहिर होती है लेकिन इनका स्पेस में पहला विजिट होता है, लेकिन इनको यहाँ पर काम करते हुए बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है क्योंकि इन्हें ज़मीन पर काम करने की आदत होती है और यहाँ पर स्पेस में ग्रेविटी न होने की वजह से उन्हें दिक्कत होने लगती है। वैसे भी एक हफ्ते से इस मिशन को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं और इनका यह काम पूरा होने के वाला है। वाल्सा की डॉक्टर स्टोन को पूछता है कि आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। डॉक्टर स्टोन जवाब देती है कि मुझे यहाँ पर खामोशी सबसे ज़्यादा पसंद आई। तभी इन्हें रेडियो पर एक मैसेज सुनाई देता है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से मिशन को बंद करके सैटेलाइट से अलग होकर अपने स्पेसशिप में बैठकर जल्द से जल्द पृथ्वी पर आने की तैयारी करो। दरअसल रशियंस ने अपनी सैटेलाइट को मिसाइल के द्वारा नष्ट किया होता है क्योंकि यह रशियाई खुफिया सैटेलाइट होती है। यह डाटा किसी को भी ना मिले इसलिए उन्हें नष्ट किया जाता है। इस किए गए ब्लास्ट की वजह से वहाँ पर बहुत सारा मलबा आ जाता है जो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ता है और बहुत सारी सैटेलाइट को नष्ट भी करने लगता है, जिससे और भी मलबा पैदा हो जाता है। इस सब की वजह से इनका सारा कॉन्टेक्ट टूट जाता है। यह स्पेसशिप के अंदर जाने ही लगते है कि तभी एक मलबा आ जाता है और उनकी स्पेसशिप से टकरा जाता है। जिस पैनल पर डॉक्टर स्टोन खड़ी होती है उसी से मलबा टकरा जाता है। यह पैनल टूटकर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है। डॉक्टर स्टोन इस पैनल पर फंसी हुई होती है। बड़ी मुश्किल से वही अपनी बेल्ट को खोलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तब तक वह अपने साथियों से बहुत ज़्यादा दूर आ चुकी होती है। अब वह एकदम अकेली है और स्पेस में तैर रही है और बहुत डर भी गई है। डर की वजह से वह जोरों जोरों से सांस लेने लगती है, जिसकी वजह से उनका ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। वो इतनी दूर आ गई होती है कि वो किसी से कुछ बात भी नहीं कर सकती और उसका सबसे कांटेक्ट भी टूट चुका है। वो लगातार गोल गोल घूमती जाती है। तभी उसे कोवालसाकी की आवाज़ आ जाती है, आ जाता है कि अपनी लोकेशन बताओ। तो डॉक्टर स्टोन अपनी लोकेशन कोवालसाकी को बताती है। थोड़ी देर में कोवालसाकी उन्हें बताता है कि अपनी सूट की लाइट ऑन करो। लाइट ऑन कर देती है और उनका ऑक्सीजन लेवल भी पूछा जाता है। तब डॉक्टर स्टोन बताती है कि उनका ऑक्सीजन लेवल 8% है। तभी कोवालसाकी उसे पकड़ लेता है। अब कोवालसाकी उनके पास स्पेसशिप की तरफ लेकर जाने लगता है। तो डॉक्टर स्टोन को बताया जाता है कि अपनी घड़ी में 90 मिनट का टाइम सेट करो क्योंकि यह मलबा फिर 90 मिनट के बाद यहाँ पर आने वाला है। तभी वह देखते हैं कि एक एस्ट्रोनॉट उनकी तरफ बहुत तेज़ी से आता है। उसे भी यह पकड़ लेते हैं, लेकिन ठीक से देखने पर उन्हें दिखाई देता है कि उनके चेहरे से कुछ आर पार होकर निकल गया है। इस एस्ट्रोनॉट की मौत दरअसल उसी मलबे की टकराने से हुई होती है। बड़ी मुश्किल से कोवालसाकी और डॉक्टर स्टोन अपने स्पेसशिप में पहुँच जाते हैं, लेकिन अंदर आकर जब देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मलबे की वजह से उनका स्पेसशिप बहुत खराब हो चुका होता है और इनके सभी साथी मर चुके होते हैं। तब कोवालसाकी बताता है कि हमें यहाँ से 1400 km दूर जाना पड़ेगा क्योंकि यह वहाँ पर एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसकी मदद से यह पृथ्वी पर वापस जा सकते हैं। अब ये दोनों वहाँ पर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन धीरे धीरे स्टोन की ऑक्सीजन खत्म होने लगती है। अब वो सिर्फ 1% बची हुई होती है। कोवालसाकी ने सूट का फ्यूल भी खत्म होने लगता है। वहाँ पर पहुंचकर उन्हें दिखता है कि उस स्पेस स्टेशन में सभी जा चुके होते हैं क्योंकि जिस हिस्से पर ट्रैवल करके पृथ्वी पर जाना होता है वही हिस्सा वहाँ पर नहीं होता और दूसरा हिस्सा खराब हुआ होता है। स्टोन कहती है कि
हमें मुड़ जाना चाहिए। तभी कॉल्स आगे कहता है कि इसका एक या दो थ्रस्ट शायद ठीक हो सकते हैं, जिसकी मदद से हम 100 किलोमीटर दूर चाइनीज स्पेस स्टेशन तक जा सकते हैं। अब इसकी मदद से यह दोनों स्पेसशिप की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन इनके बहने पर इनका कोई कंट्रोल नहीं रहता और यह दोनों जिस बेल्ट से बंधे हुए थे वह टूट जाता है। तो कॉल सके कहता है तुम्हें हाथ में जो मिले उसे पकड़ लो। बिस्टोन का पैर पैराशूट की रस्सी में अटक जाता है और वह उस बेल्ट को पकड़ लेती है जिससे कॉल सके बंधा हुआ होता है, लेकिन उसी समय स्टोन का पैर उस पैराशूट की रस्सी से निकलने लगता है। तो कॉल सके कहता है कि मुझे जाने दो। तो स्टोन कहती है कि नहीं। कॉल सके कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम भी अंतरिक्ष में खो जाओगे। कॉल सके अपनी बेल्ट को खोल देता है और स्टोन को कहता है कि अपने आप को बचाओ। जाते हुए स्टोन को कहता है कि तुम कैप्सूल में बैठकर चाइनीज स्पेस स्टेशन की तरफ जाओ। स्टोन अब स्पेस स्टेशन के अंदर जाती है और अपना हेलमेट निकालती है जिससे उसकी जान में जान आ जाती है, क्योंकि उसकी सूट का ऑक्सीजन लगभग ख़त्म हो चुका होता है। यहाँ पर स्टोन रेडियो स्टेशन पर संपर्क करने की कोशिश करती है लेकिन उसका संपर्क नहीं होता। तभी उसे पता चलता है कि उस स्पेस स्टेशन में आग लगी हुई होती है। बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए स्टोन उसी कैप्सूल में बैठ जाती है और उसे अलग कर लेती है, लेकिन उसका कैप्सूल आगे जाकर अचानक रुक जाता है क्योंकि पैराशूट की रस्सियाँ उस स्पेस स्टेशन से अटकी हुई होती है। जब बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए स्टोन कैप्सूल के बाहर जाती है और कैप्सूल से अटकी हुई रस्सियाँ काट देती है। यह सब करते हुए 90 मिनट पूरे हो जाते हैं और वही मल्लवा फिर से घूमकर आने लगता है। फिर से स्टोन कैप्सूल के अंदर जाकर कैप्सूल का इंजन शुरू करती है और वह शुरू नहीं हो पाता। सब कुछ चेक करने के बाद पता चलता है कि उसके अंदर तो फ्यूल ही नहीं है। वह एक बार फिर रेडियो से संपर्क करना चाहती है और अचानक उसका संपर्क हो जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका संपर्क पृथ्वी के किसी आम इंसान से हुआ होता है, इसका कोई भी फायदा नहीं है। स्टोन अब सभी कोशिशों को करके थक गई है और वह यह मान लेती है कि वह अब मरने वाली है, इसलिए वह अपना ऑक्सीजन भी बंद कर देती है। तभी उसे भ्रम होने लगता है कॉल सा कि वहाँ पर उसके बाजू में बैठा हुआ है जो उसे जिंदा रहने के लिए एक बार फिर मोटिवेट करता है, लेकिन जब वह एक बार फिर होश में आती है तो उसे एहसास होता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है और वह बिल्कुल अकेली है। लेकिन अब उसे एक तरकीब सोचती है क्योंकि लैंडिंग की प्रक्रिया से इस कैप्सूल को आगे भेजा जाता है। वह यह तरकीब में कामयाब हो जाती है और यह उसका कैप्सूल आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही उसका कैप्सूल चाइनीज स्पेस स्टेशन के पास पहुंचता है वह इस कैप्सूल के बाहर निकल जाती है, लेकिन इस बार उसके पास एक सिलेंडर भी है जिससे वह अपने आप कंट्रोल कर सकती है। इस सिलेंडर की मदद से वह चाइनीज स्पेस स्टेशन के चारों ओर घूमने लगती है, लेकिन उसके सिलेंडर की गैस खत्म हो जाती है। बड़ी मुश्किल से वह उस स्पेस स्टेशन के आखिरी कोने को पकड़ लेती है, लेकिन अंतरिक्ष में फैला हुआ मलबा यहाँ पर भी पहुँच जाता है, लेकिन इस सब से बचते हुए उसके अंदर आ जाती है। अंदर आकर देखती है तो उसे कुछ पढ़ने को नहीं आता क्योंकि यह सब चाइनीज में लिखा हुआ होता है, लेकिन वह उस कैप्सूल तक जाती है जिसकी मदद से वह पृथ्वी तक जा सकती है। लेकिन उस कैप्सूल में सभी बटन चाइनीज में लिखे हुए होते हैं। बहुत से बटन्स को दबाने के बाद उसकी लैंडिंग शुरू हो जाती है। जब वो अपने कैप्सूल को पृथ्वी की कक्षा में लेकर जाती है तब उसकी कैप्सूल में हीट बढ़ने लगती है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा स्पीड में पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन वह लैंड करने में कामयाब हो जाती है। उसका कैप्सूल समंदर में लैंड कर जाता है। यह कैप्सूल धीरे धीरे समंदर में डूबने लगता है। वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। उसे लगता है कि वह शायद समंदर में डूब जाएगी, लेकिन कोशिश करने पर वह बाहर निकल जाती है, लेकिन वह अपनी सूट की वजह से पानी में तैर नहीं पाती, इसलिए वह अपना सूट उतार देती है जिसके बाद वह तैर कर किनारे तक आ जाती है। इस तरह डॉक्टर स्टोन की जान बच जाती है और इसी के साथ ग्रेविटी फिल्म की कहानी भी ख़त्म हो जाती है। आपको कैसी लगी यह कहानी कमेंट में ज़रूर बताओ।